नमस्कार, न्यूज हंट में आपका स्वागत है। जी, आज हम बात कर रहे हैं रघुराज प्रताप सिंह उर्फ राजा भैया की। आपको बता दें, राजा भैया तकरीबन 30 सालों से विधायक हैं। आपको बता दें कि वो कुंडा विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर अपना चुनाव लड़ा और जीत हासिल की, और अब तक वो जीत हासिल करते रहे हैं। आपको बता दें कि बसपा सरकार में उन्हें जेल जाना पड़ा, तो वहीं सपा सरकार में उन्हें जेल मंत्री बनाया गया। आइए आपको बताते हैं उनके राजनीति में किस तरीके के उतार चढ़ाव आए राजा भैया के। बाहुबली राजा भैया 29 साल से है विधायक, जाने कितनी सीटों पर है उनका प्रभाव। 1993 से राजा भैया जीत रहे हैं चुनाव। राजा भैया के कुंडा में ऐसा प्रभाव है कि वे लगातार यहां से जीतते आए हैं। साल 1993 में राजा भैया ने पहली बार निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर कुंडा विधानसभा सीट से जीत दर्ज की थी, जिसके बाद यह सिलसिला जारी है। अब भी राजा भैया कुंडा विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर विधायक। मायावती शासन में जाना पड़ा था जेल। एक दौर मायावती का था जिसमें राजा भैया को जेल जाना पड़ा था, लेकिन समय का पहिया बदला। 2012 के विधानसभा चुनाव में निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर जीते और अखिलेश की कैबिनेट में जेल मंत्री का पद संभाला। लेकिन जो राजा भैया कभी समाजवादी पार्टी के करीबी हुआ करते थे, वही राजा भैया समाजवादी पार्टी से दूर हो चुके हैं। एसपी ने राजा भैया के करीबियों को दिया टिकट। इस बार कुंडा विधानसभा सीट से एसपी ने राजा भैया के करीब रहे गुलशन यादव को टिकट दिया। 29 सितंबर 2018 को लखनऊ के रमाबाई मैदान में रैली करके राजा भैया ने भी अपनी पार्टी का ऐलान किया था। राजा भैया ने उस रैली में आरक्षण में प्रमोशन का विरोध किया था और उस दौरान चल रहे SC/ST एक्ट को लोकसभा में संशोधित किए जाने का विरोध भी किया था। राजा भैया की 24 से अधिक सीटों पर प्रभाव। राजा भैया राजनीतिक रूप से किसी पार्टी का कितना फायदा या नुकसान पहुंचा सकते हैं, यह इस बात से समझा जा सकता है कि राजा भैया अब तक भले ही कुंडा विधानसभा सीट से चुनाव लड़ते रहे हों, लेकिन उत्तर प्रदेश की करीब 24 सीटों से अधिक पर उनका प्रभाव है। कुंडा और आसपास के इलाकों में राजा भैया की छवि काफी प्रभावी है, खासकर ठाकुर समाज में। कहा जाता है कि प्रतापगढ़ के आसपास के सभी जिलों में ठाकुर समाज किसे वोट देगा, ये तय करने में राजा भैया की महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। 2019 में राजा भैया के भाई की हुई थी बुरी हार। राजा भैया के चचेरे भाई अक्षय प्रताप सिंह जब 2019 में जनता पार्टी के टिकट पर प्रतापगढ़ से लोकसभा का चुनाव लड़े, तब उन्हें हार का सामना करना पड़ा। अक्षय प्रताप सिंह को सिर्फ 46,963 वोट ही मिल सके। चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार संगम लाल गुप्ता ने जीत हासिल की। इस चुनाव में प्रतापगढ़ और आसपास के जिले में जो माहौल दिख रहा है, उसे देखकर शायद ये दो सीटें निकल पाए। आपको बता दें कि 1993 से राजा भैया के समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार ही बाबागंज विधानसभा से जीतते आ रहे हैं। इस बार भी राजा भैया ने बाबागंज विधानसभा से वर्तमान निर्दलीय विधायक विनोद कुमार को टिकट दिया था।